वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों राम गद्दारी गुप्ता की बुक से ली गई है। दोस्तों, डिक्टेशन PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है, विराम, इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जनोपयोगी है, विराम, यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है, विराम, ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है, विराम, पैरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहां तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है, विराम, जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को सफल बनाने के लिए जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, विराम, पैरा, हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है, विराम, विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, विराम, अधिनायकवाद होगा, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, रोक लगाता है, विराम, उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे अत्यधिक बढ़ गई, विराम, हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है, विराम, इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है, विराम, इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया, विराम, यह कदम स्वागत योग्य है, विराम, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए, विराम, आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है, विराम, पैरा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों,
तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। राम, मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। विराम, जितनी भी सफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है, जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है उसका सदा बोलबाला रहा है। विराम, इसका परिणाम यह रहा है कि एक और तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। विराम, पैरा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक में गांवों में जाते। विराम, आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। विराम, शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विराम, उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ता। विराम, इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी, जिस निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जाओ जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। विराम, सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं, और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। विराम, मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। विराम, आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। विराम, हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती हैं। विराम, धन्यवाद।